students, music learners, listeners, followers. Myself, Rachna Mehra from Canada, Toronto. Welcome all of you on my YouTube channel, Rachna Mehra. आज के इस तबला क्लास लेसन में, in today's tabla class lesson, I'm going to teach you करवा ताल वेरिएशन नंबर वन, मुखड़ा नंबर वन एंड तिहाई नंबर वन. मैं आपको सिखाऊंगी करवा ताल का प्रकार नंबर एक, मुखड़ा नंबर एक और तिहाई नंबर एक, और उसको किस तरह से फिर सॉन्ग में अप्लाई करना है वो भी मैं आपको एंड ऑफ द लेसन एक प्रैक्टिस सेशन डालूंगी, उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी छोटी छोटी गलतियां समझ में आएंगी और आप पकड़ सकते हैं. एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम जस्ट प्लेइंग द होल सॉन्ग एंड यू कैन प्रैक्टिस विद दैट वीडियो विद मी, सो यू कैन कैच योर लिटिल लिटिल मिस्टेक्स. मेक श्योर यू राइट द नोट्स फर्स्ट एंड इन विच लेटर आई एम स्टार्टिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट द वर्ड. Inside the word there is a letter where you have to start your mukhra or your tihai or your variation prakar. Uska dhyan rakhna hai ki varna ke andar kahan par pakad rahe hain hum. Exactly wahi par agar aap pakdenge to dheere dheere aapko pata lagne lagega, aapka zehen waisa ban jayega us cheez ko samajhne ke liye, aapki aadat banne lagegi. Isi song ki practice mein tabla class lesson number 28 एंड 66 में भी आगे करूंगी, तो आप एडवांस लर्निंग के लिए और चीजें उसमें ऐड करने के लिए यू कैन सी दोज लेसन्स आल्सो. आई एम गोइंग टू प्ले द सेम सॉन्ग विद सम मोर वेरिएशंस एंड मोर टेक्निक्स इन तबला क्लास लेसन नंबर 28 एंड 66. एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, मोर नेक्स्ट लेवल, मोर एडवांस, यू कैन गो टू दोज लेसन्स ऑल्सो. तो चलिए अब हम लोग लेसन लर्न करते हैं और आगे की बात करते हैं. बिफोर आई फॉरगेट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द म्यूजिक लर्नर्स, लिसनर्स एंड लवर्स, दोज हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन. विद बेल बटन ऑल्सो मेक श्योर यू प्रेस ऑल that notification also press that so you can receive all of my lessons, you are not missing anyone. Subscription ke sath aap bell button zarur dabaye aur usme ek option aata hai all ka, usko zarur aap check kar le jisse ki aapka koi lesson miss na ho aur aap aaram se bina kisi badha ke sare lessons seekh sake. theek hai, to lijiye ye raha lesson aapke liye. Before I move forward to variation number 1 of kehrwa taal, I would like to tell you the main theka of kehrwa taal is dha ge na tu na ka ghe na. This is the basic bowl of kehrwa taal. Kya dha ge na tu na ka ghe na, the very origin of kehrwa taal, which is actually not used these days. तो ये यहां से उद्गम होता है कहरवा ताल का, धा गे ना तू न क घे न. जितने भी वेरिएशंस बने हैं वो इसी बीट को कंसेप्ट में रख के आगे बनाए गए हैं, लेकिन ये ठेका आजकल यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसको बजाने में वो आनंद नहीं आता, वो फ्लुएंसी नहीं बन पाती जो सिंगर को चाहिए होती है. लेकिन ये मेरा फर्ज था कि आपको बताऊं कि कहाँ से शुरू होता है कहरवा ताल, ये आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है और इसको आप अपने नोट्स में जरूर नोट करें. तो धा गे ना तू न क घी न, यहां से शुरुआत होती है कहरवा ताल के ठेके की, तो ये कहलाता है कहरवा का ठेका. अब यहां से हमने ये, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ. देखिए, वंस आई एम गोइंग टू शो यू दिस ऑल्सो वेयर द ओरिजिन ऑफ दिस कहरवा ताल ठेका इज प्लेड लाइक दैट. धा गे इंडेक्स फिंगर, धा इज दिस, धा है, गे ना तू न क घी. So two are, you can play two like this, you can play two like this also. Both are right, huh? And dha again, dekhiyega phir se, dha
एंड वन मोर थिंग, यू कैन प्ले का लाइक दिस ऑल्सो. जब फास्ट बजाएंगे तब आप ऐसे भी बजा सकते हैं. यू कैन प्ले दिस का लाइक दिस ऑल्सो बिकॉज वेन यू गो फास्ट. ऐसे ही हैंड्स खाली से एक बार देख लीजिए. धा गे ना तू न क घी न. अगेन धा गे ना तू न क घी न. चलिए लेट्स कम बैक टू वेरिएशन ऑफ कहरवा ताल नंबर वन. लेट्स सी इन अवर हैंड्स. द वेरिएशन विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी यूजफुल एंड यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स. लाइक देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ कहरवा ताल फॉर बीइंग यूज्ड इन द सॉन्ग. Like ghazal, bhajan, movie style, western style, qawwali style, sufi style. There's so many variations of kehrwa taal. And each variation has a different kind of a mood of emotion that develops with the singer. That you will learn later on my channel. So let's come to variation number one. Prakar of kehrwa taal number ek. घी ध धा तिन स्पेस धिन धा तिन. तो स्पेस कैन बी सेड विद वन नंबर ऑल्सो. कैसे कि स्पेस ना बोल के हम एक नंबर भी बोल सकते हैं. कैसे घी ध धा तिन वन धिन धा तिन. अब हैंड्स की ताली देखिए. हैंड्स ताली घी ध धा तिन वन धिन धा तिन. एक बार और घी ध धा तिन वन धिन धा तिन. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कहरवा ताल वेरिएशन नंबर वन. हैंड्स ऑन तबला. घी मिडिल फिंगर. घी ध धा के लिए इंडेक्स लेंगे और इसको बजाएंगे. थोड़ा सा पीछे हाथ करके लूज साउंड बनाएंगे. विल मेक द लूज साउंड. धा. सो घी धा. बीट नंबर वन एंड टू एंड नाउ थ्री. धा अगेन. देन दिस फिंगर मिडिल फिंगर. अगेन घी ध धा. फिर से देखिए घी space or one then index finger in dha tin. End me only one hand because you have to come back and catch this finger in the first beat in the cycle of the beat. So you have to keep this hand free. आपको ये हाथ को free रखना पड़ेगा end में क्योंकि आपको सम पकड़नी है. यहां से आके इस cycle में आके सम को पकड़ना है. Let's do again. Keep watching, keep playing with me. मेरे हाथ को देखते रहिए, फिंगर को सेट करते रहिए. The most important part in tabla is how you fix your fingers. सबसे important चीज होती है tabla learning में आपने अपनी उंगलियों को किस तरह से सेट किया हुआ है. अगर आपकी उंगलियां सही ढंग से सेट हैं, तो आस स्पीड में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो फिंगर्स पे बहुत ध्यान देना है आपको. कहाँ यहाँ मारना है, कहाँ यहाँ मारना है. Where you have to hit here or hit here. This finger, this spot, just remember that very strongly. I recommend all of you to watch the finger movement very carefully. Let's do again. Ghi, da, da, tin, space, tin, da, tin. Ghi, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए फॉर कपल ऑफ मिनट्स. घी धा धा
space. Keep doing. Dhi, dha, karte rahiye. Dha, thin, space, thin, dha, thin. Ungliyon ko dhyan se dekhiye. Dhi, dha, dha, thin, space, thin, dha, thin. Dhi, space. Now you can pause my video and you can practice for 10-15 minutes just this, and start a BPM, beats per minute. Start from 40, then move to 45 50 55 60. Is tarah se every day increase the number and keep checking your hands. You're not making mistake, you're hitting at the right spots. Now, I'm coming to mukhda number one of Kehrwa Taal. Kehrwa Taal ka mukhda number ek dekhiye. Ungliyon pe ginte hain. Kr, ki, t. Kr, ki, t. Kran, space. Phir se. K, ki, t. Kr, ki, t. Kran, space. यदि आप बोलों को बोलेंगे तो आपके दिमाग में इतनी सुंदर लेसन की स्मृतियां बनी रहेंगी जो कभी नहीं जाएंगी अगर आप उसकी पढ़ंत करेंगे. इफ यू प्रैक्टिस द वर्ड्स एंड यू टॉक द वर्ड्स अ लॉट सो यू लीव अ वेरी वेरी स्ट्रांग इमेजेस ऑफ दोज लेसन इन योर ब्रेन एंड इट्स नेवर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम योर माइंड इफ यू टॉक एंड प्ले तबला. So talking tabla is very important, जिसको हम बोलते हैं, which is known as पढ़ंत. पढ़ंत बहुत जरूरी है. चलिए, क्र की ट, क्र की ट, क्रान स्पेस. हैंस ताली देखते हैं. Let's see. क्र की ट, क्र की ट, क्रान स्पेस. Again, क्र की ट, क्र की ट, क्रान स्पेस. इफ यू आर प्रोफेशनल लर्नर यू हैव टू नो दीज स्टेप्स वेरी वेरी वेल सो यू कैन हेल्प अदर इन लर्निंग प्रॉपर वे. अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से तबला सीखना है तो आपको ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छी तरह आने चाहिए और आपके मुख में, आपकी वाणी में बिल्कुल सेट होने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप बिल्कुल सही ढंग से लोगों को भी सिखा सकें और गाइड कर सकें. अब नाउ यू सी हाउ टू डू तबले पर उस पे हाथ हम कैसे रखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्ले ऑन तबला. लेट्स सी. क्र इज दिस हैंड. यू हैव टू लिफ्ट योर एल्बो लिटिल अप इन अ बटरफ्लाई शेप एंड दिस इज नॉट टचिंग योर तबला एंड लुक एट दिस. दिस इज लाइक दैट हियर. क्र एंड योर थंब इन दिस पोजिशन एंड दिस इज हियर. Like that. This is known as kra. इसको हम kra बोलते हैं. तो आप kra ऐसे बजाइए. Kra ki. Ki में भी ऐसे sound बनाइए. पीछे से उठा हुआ है हाथ और सारा pressure आगे की तरफ, thumb ऐसे. Ki ta. Beat number 1, 2, 3. Kra ki ta. दो बार बजेगा. Same thing. Kra ki ta. तो ये हुआ 4, 5, 6 beat. 4, 5, 6. अब आता है क्रान. क्रान आएगा सातवीं मात्रा, सेवेंथ बीट. क्रान स्पेस. यहां आ गया स्पेस. फिर से क्र की ट.
एक बार और क्र की टू टाइम्स एंड क्रान स्पेस. चलिए लेट्स डू प्रैक्टिस स्लो स्पीड कपल ऑफ टाइम्स. क्र की ट क्र की ट क्रान स्पेस. Let's practice together. Kra ki ta. Kra kra means ka here, and this is like a tu. Together. Kra ki ta. Kra ki ta. Kran space. You can pause my video. आप video को pause कर दें और again you practice for 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस करें. फिर उसी तरह 40 bpm, 45 bpm, 50 bpm, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and keep on going like that until you reach to the speed of Tujhe Suraj Kahun Ya Chanda song, which is 200 bpm beats per minute. Hai na? Then you can play. Now I'm coming to Tehai of Kehrwa Taal number 1. अब हम Kehrwa Taal की तिहाई पर आते हैं, जो पहली तिहाई है. चलिए उंगली पर देखते हैं. तेर केट धा, तेर केट धा, तेर केट धा. अब आपको देखना है कि तिहाई किसे कहते हैं. तिहाई, what is तिहाई? You need to learn that. Tihai means a piece of couple of words which is played exactly as it is three times. That is known as Tihai, which I used already in Teen Taal. मैंने उसको पहले तीन ताल में भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको Kehrwa में भी हम उसको यूज कर सकते हैं. So I'm showing you. I'm talking to you about Tihai again. मैं Tihai के बारे में आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि Tihai क्या होता है. कि कुछ बोलों का समूह जैसा का तैसा जब तीन बार बजाया जाता है और उसका अंतिम धा सम पर आता है तो उसको हम Tihai कहते हैं. So the group of couple of bowls which is played as it is three times and the last tha of that Tihai falls on sum, that is known as Tihai. अब फिर से देखिए उंगलियों में. See again. तेर किट धा, तेर किट धा, तेर किट धा. हैंस ताली देखते हैं. आप भी जरूर ऐसे प्रैक्टिस करिएगा. एग्जैक्टली व्हाई आई एम शोइंग यू दीज आर द स्टेप्स ऑफ लर्निंग. दिस इज हाउ यू लर्न तबला. तबले को इस तरह से सीखना चाहिए और इसी तरह से ही आगे हमेशा करते रहना चाहिए. देखिए, तेर किट धा, तेर किट धा, तेर किट धा. समा गई. फिर से एक बार अगेन. तेर किट धा, तेर किट धा, तेर किट धा. अब तबले पे देखिए. तेर किट, ये तो आपको पता ही है. यू नो ऑलरेडी हाउ टू प्ले तेर किट. एंड नाउ धा. थ्री टाइम्स बजा देंगे इसको. वी विल प्ले एग्जैक्टली थ्री टाइम्स. तेर किट धा. ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो. धीरे से खिसका दीजिए आगे टाइट करके. टाइट इट एंड स्लाइड इट लिटिल बिट. लेट्स स्टार्ट अगेन. तिहाई 1 2 3. तेर केट धा, तेर केट धा,
1, 2, 3, again. Exactly same way. You keep practicing with BPMs exactly like 40, 50, 60, 70, 80 until 200, right? Fast mein kaise lagega? How it's going to sound like fast? Now, let's play and apply these things in the song and see how it sounds like. अब हम लोग देखेंगे songs में ये कैसा लगेगा क्योंकि आपको फिर उसके साथ practice करनी है ना? Let's see that. This song video is for only Kehrwa variation number 1, Mukhra number 1 of Kehrwa and Tehai number 1 of Kehrwa Tal. Now you see that. Thank you.
मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा. आई एम वेरी होपफुल यू ऑल लाइक दिस लेसन एंड यू आर नॉट फीलिंग एनी डिफिकल्टी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई मुश्किल नहीं आई होगी, मुझे ऐसा लगता है. अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, बजाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर हमसे बात करें. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सॉल्व द डाउट्स इफ यू आस्क मी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई वुड डेफिनेटली आंसर यू. ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई लेसन. Request all of you to stay safe, stay blessed. Practice, practice, practice is the key of success. It's a thousand times method. So don't count your practice. It has to be countless practice. All right? You all stay safe, stay blessed. Jai Shri Ram. Singing in tabla, free of cost, from Rachna Mehra. Please click the subscribe button below. Also, make sure to click the bell button and turn on your YouTube notifications to watch videos as soon as they're posted.